हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्लांट केयर एंड टिप्स। और दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि इस समय का मौसम हमारे नए प्लांट्स को लगाने के लिए बेस्ट है, तो मैं आपके लिए एक इंडोर प्लांट की सीरीज़ लेकर आई हूं, जिसमें कि मैं आपको डेली एक नए प्लांट के बारे में बताऊंगी जो कि इंडोर प्लांट होगा। हम पहले इंडोर प्लांट्स की सीरीज़ एक बनाएंगे, जिसमें कि हम सिर्फ इंडोर प्लांट्स की बात करेंगे, उसके बाद मैं आउटडोर प्लांट्स की बात करूंगी कि कौन से हम आउटडोर प्लांट इस समय लगा सकते हैं। तो इंडोर प्लांट की सीरीज़ में जो आज का मेरा ये पहला प्लांट है वो है एग्लोनिमा प्लांट। तो ये बहुत ही सुंदर होता है, इसकी लीव्स अगर आप देखें तो ऐसे कलरफुल पिंक और ग्रीन करके होती हैं और पैचेस में होती हैं और बहुत ही सुंदर होती हैं इसकी लीव्स। लेकिन अगर इस प्लांट की खासियत ये है कि अगर आप इसको अंदर रखें ब्राइट एरिया में, लाइट हो जहाँ पे, लेकिन डायरेक्ट सनलाइट इसको नहीं मिलनी चाहिए। ये ना हो कि आपने इसको बाहर बहुत तेज़ धूप में रख दिया, तो इसको आप ऐसी जगह रखिए जहाँ पे इसको इनडायरेक्ट ब्राइट लाइट मिल रही हो। और जैसे कि आप अपनी बालकनी में रख सकते हैं, टेरेस पे कवर्ड एरिया में रख सकते हैं, तो कहीं भी आप इसको रखिए, वहाँ पे ये बहुत अच्छे से ग्रो करेगा। और दूसरी चीज़, अब जो इसकी सॉइल की अगर हम बात करें तो इसकी सॉइल देखिए हमेशा मॉइस्ट होनी चाहिए। ये जिस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पर, आप इसको डायरेक्ट या तो चाहें तो कोकोपीट में भी लगा सकते हैं, या आपको जैसे मैंने सॉइल बताई है वैसे आप सॉइल बना के वैसे भी इसको लगा सकते हैं। लेकिन इसकी जब सॉइल बनाएं तो उसमें आप कोकोपीट की मात्रा जरा बढ़ा लीजिएगा, जिससे कि इसकी सॉइल हमेशा मॉइस्ट रहे। ये नमी वाला पौधा है, इसको नमी चाहिए होती है, ह्यूमिडिटी चाहिए होती है, तो इसको हमें अपने आसपास ऐसी जगह पे रखना है जहाँ पे कि मॉइस्चर रहे, तो उसमें ये बहुत अच्छे से ग्रो करता है। इसमें आपको किसी भी तरह के फर्टिलाइज़र देने की ज़रूरत नहीं है इस प्लांट को, और इसमें जनरली कोई बीमारियां भी नहीं लगती हैं। तो इस तरह से आप इसको लाइए और अपने घर में लगाइए, बहुत ही सुंदर प्लांट है। और अगर हम इसकी वाटरिंग नीड्स की बात करें तो इसको आप समर्स में डेली पानी देंगे, और विंटर्स में आप इसको अल्टरनेट डे पे या दो तीन दिन में एक बार इसकी सॉइल चेक करके पानी दे सकते हैं। ये प्लांट ज़रा सा हाई मेंटेनेंस वाला प्लांट है, इसीलिए ज़रा कॉस्टली भी मिलता है। तो आप इसको अगर लगाते समय इसकी सॉइल आप अच्छे से प्रिपेयर करके अगर आप इसको लगा देंगे तो इसमें आपको फिर ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये प्लांट अच्छे से ग्रो करेगा। और इसको बस आपने इनडोर रखना है, ब्राइट लाइट में रखना है, और डायरेक्ट सनलाइट से इसको बचाइए। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम अपने प्लांट्स को लाते तो हैं बट उनके सही कैटेगरी नहीं पता होने के कारण आप अपने इंडोर प्लांट्स को बाहर धूप में रख देंगे, जिससे कि वो फिर मर जाते हैं, फिर हमें लगता है कि हमारे प्लांट्स चलते नहीं हैं। तो दोस्तों, ये था इंडोर सीरीज़ का पहला प्लांट। अब इसके बाद इसमें हम आगे और प्लांट्स डिस्कस करेंगे जो आप इस समय ला के अपने घर में लगा सकते हैं और जिनको आप अंदर रखेंगे। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।